पता नहीं, वो भी अभी तक लौटा ही नहीं यार। क्या हो गया यार? क्या हो गया? खून हो गया मुझसे यार। रुको जो, रुको जो, आवाजें आ रही थी ना, रुको जो, आवाजें आ रही थी, मैंने उसको मार दिया। ये तो अच्छा हुआ ना, मार दिया तुमने इसे यार, ये तो अच्छा हुआ ना। हाँ हाँ, मैंने उसको मार दिया। अब तो हमारी जान भी छूट गई यार, हम बच गए यार। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ यार। अच्छा हुआ ना, जान छूट गया यार उससे। वो मर गया यार, जान तो छूट गई ना बाबा यार। तुम लोग नहीं समझोगे बात, क्या कहना चाहते हो यार तुम? चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो क्या है यार, बाहर क्यों लाए हो? क्यों बाहर लेकर आए हो यार? क्या है? कहाँ है? कहाँ है? चौकीदार मार दिया यार। यार ये तो मुझसे गलती हो गई ना। तुझे अच्छी तरीके से याद है यार, तूने उसी अजनबी को मारा था। हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये चौकीदार नहीं था, वो वही सेम बंदा था, पर जैसे मैंने मारा उसको वो चौकीदार दिखना। हम फंस गए बुरी तरीके से यार, हम फंस गए। इस बात को छोड़ो, पहले उसको तो उठाओ यार। चल चल इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। सुबह तक इस लाश का नामो निशान किसी को नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो हम गए भाई। कोई ऐसी चीज लाओ जो हमारे काम आए। जाओ कोई कपड़े का इंतजाम करो, जल्दी जाओ।
अरे ये क्या, पुलिस तो हमसे पहले ही मौजूद है। पुलिस को किसने बताया? मर गए यार अभी तो। यार बचने का एक ही रास्ता था, वो भी चला गया, अब क्या करें? पुलिस को सब कुछ सच बता दे। कौन यकीन करेगा यार फैज हमारी इस कहानी पे? सच बताना पड़ेगा, आप लोग फंस जाएंगे यार। कुछ भी हो लेकिन अब तो सच बोलने पर ही राहत मिल सकती है। चल चलते हैं। सर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बताइए। क्या कहना चाहते हैं आप और कौन है आप लोग? साहब यही तो है दोनों। ये कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा यही है वो दोनों जो अपने दोस्त को ऐसी हालत में छोड़कर चले गए थे। आप अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपको लगा नहीं है कि आपका दोस्त बीमार है? कुछ भी हो सकता है। और वैसे आप लोग गए कहाँ थे इतनी आधी रात को? सर सर चौकीदार को हम लोग ठिकाने लगा लगाने गए थे। क्या मतलब है आप लोगों का? वो इसका मतलब है कि चौकीदार का हम ठिकाना ढूंढने गए थे। हमारा दोस्त बीमार था और हम चौकीदार का ठिकाना ढूंढने गए थे ताकि कुछ कोई दवाई वगैरह का इंतजाम हो जाए। चलो चलो देखते हैं उससे वो कैसा है। रुको। उसको मैंने हॉस्पिटल भेजा दिया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मकदूर कौन है, कातिल कौन है, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन कोई मसला नहीं, मैं मामले की तह तक पहुंच कर ही रहूंगा और जब तक मैं ना कहूं इन लोगों को कहीं भी जाने मत देना। जी 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 साहब। जब तक मेरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो जाती। जी जी। खास तौर पर आज रात तक, ठीक है? क्या आप कहे ऐसे? मैं जा रहा हूं। आप अपने कमरे में जाओ, मैं अपना काम करता हूं। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी वो चाय पिलाने आ जाते हैं, कभी वो पुलिस वाला बन के आ जाते हैं, तो कुछ होगी ना जिसको हमने दफन करके आए थे वो फिर से जिंदा हो गया कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने हाथों से हमने उसको दफन किया था। मैं वाशरूम जरूर गया था। बात सुनो, ये क्या कर रहे हो? किसका खून है? ये खून देखकर हम यहाँ परेशान हो गए भाई। अगर आप लोग यहाँ होते तो मैं पुलिस को कभी नहीं बताता। किसका खून है? ये खून किसी जानवर का भी हो सकता है।
कोई छोटा जानवर आया होगा इधर खाना खा के, और किसी बड़े जानवर इसको मार दिया होगा, खून उसी का हो सकता है। और तुम बिल्कुल सही हो, और रात को तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रेस्ट हाउस कोई डरावना है, यहाँ पे कोई भूत वगैरह का साया है? नहीं नहीं, यहाँ पर कोई भूत नहीं है। और तुम लोगों को कभी डर नहीं लगा इस इतने बड़े रेस्ट हाउस में? हम तो यहाँ पर नहीं डरते हैं, अक्सर यहाँ पर लोग आते हैं अपने सामान छोड़कर भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्या हो रहा है यार? मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? चलो मेरे साथ। ये क्या मुसीबत है? नहीं, ये तीर हो ना हो, ये वही है और हमें बुलाना चाहते हैं, चलना पड़ेगा। नहीं नहीं यार, रहने दो यार, पत्थर उठा के घर चलते हैं। वो आदमी तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी बात हम सुन नहीं लेते, उसकी बात सुननी होगी। चलो और थी। इस तरफ इशारा है, चलो मेरे साथ। अच्छा, इसका मतलब वो हमें उस साइड बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो चलते हैं। मुझे पता है कि ये तुम ही हो। कहाँ हो तुम? सामने आओ। आओ आओ मेरे अजीब दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मुझे यकीन कि तुम लोग मेरी बात सुनने जरूर आओ। आखिरकार क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे से? मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, और ना ही मैं तुम्हारा कोई जानी दुश्मन। मैं भी तुम्हारी तरह एक साया था, बस क्या हुआ कि एक दिन मैंने पहाड़ों की लंबी लंबी चोटियों पर चढ़ गया और रास्ता भटक गया। भूख और प्यास के मारे मेरी इन पहाड़ियों की चोटियों पर मौत हो गई, और मेरी लाश को किसी ने भी दफन नहीं। बस मैं चाहता था कि किसी भी तरह से मेरी लाश को भी दफन कर दे ताकि मेरी रूह को सुकून मिल सके। फिर मैंने खुद को मरवाया तुम्हारे हाथ, लेकिन मेरी लाश तुम लोगों ने चौकीदार की लाश समझ कर दफना दिया ताकि तुम लोग बच सको, और मेरा ये प्लान बिल्कुल ही कामयाब गया। मेरी लाश दफन हो गई, अब मेरी रूह को सुकून, अब तुम लोग भी मेरी तरफ से आज़ाद जाओ और मर देगा। अल्लाह।
अबे पत्थर कहाँ गए? पत्थर वगैरह अब नहीं होंगे, चलो।